बात कुछ साल पहले की है। मुझे एक दुकान पे एक लड़की दिखाई दी जो व्हील चेयर पे थी और अकेली ही थी, और उसका कुछ सामान नीचे गिर गया था। उसको वह उठाने की जद्दोजहद कर रही थी। मैंने जाकर उसका वो पैकेट उठाकर उसको देते हुए मैंने उसके चेहरे को देखा तो देखती ही रह गई। सांवली तीखे नए नक्श और चेहरे पे एक अलग ही आभा मंडल थी। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर उसका पैकेट उसको पकड़ा दिया और मुड़ के अपनी कार की तरफ जाने लगी तो उस लड़की ने पीछे से आवाज़ दी, पलक दीदी। मैं अवाक सी पलटी तो देखा वही लड़की मुझे आवाज़ लगा रही थी। मैं हैरान और परेशान कि ये मुझे कैसे जानती है। मेरी हैरानी देखकर वो समझ गई और बोली, दीदी आप दिल्ली से हैं? मैंने कहा हाँ। फिर बोली, दीदी आप जिस स्कूल में पढ़ती थी और आपका क्लासमेट जो सोनू था, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। और आपको शायद याद नहीं होगा, जब आप लोग नौवीं में थे तो मैं तीसरी क्लास में थी। कहती, दीदी आप जरा नहीं बदले, बस उम्र का फर्क कह लो, वरना ऐसे ही पहले भी आप सबकी मदद किया करते थे और आज भी वैसे ही हो। उसकी बातें सुनकर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम दीक्षा बताया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और वादा किया कि फिर मिलेंगे। घर पहुंचकर काम वगैरह निपटा कर लैपटॉप खोलकर बैठी ही थी कि फेसबुक पे नोटिफिकेशन दिखा, दीक्षा सिंह की फ्रेंड रिक्वेस्ट। कैसे ना स्वीकार करती, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर मैंने उसको फ़ोन मिला दिया। मुझे उसके व्हील चेयर पर होने का दुख हो रहा था। फ़ोन मिलाते ही दीक्षा ने बहुत जोश से फ़ोन उठाया पर पीछे से बहुत शोर आ रहा था। मैंने पूछा, हम बात कर सकते हैं क्या? अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। बोली, नहीं पलक दीदी, ये शोर तो अमूमन ऐसे ही आता रहेगा। मैंने पूछा, क्या करती हो? बोली, दीदी डॉक्टर हूँ और एक छोटा सा अनाथाश्रम चलाती हूँ। मेरे को अपना कद बौना सा लगने लगा। दीक्षा बोलती है, दीदी सेवा भाव आप जैसे सीनियर को देखकर बचपन में ही जाग गया था, फिर परिस्थितियां ऐसी हुई हैं। मैंने कहा, मुझे जानना है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम व्हील चेयर पे आ गई। दीक्षा ने बताना शुरू किया कि दीदी बहुत अच्छे परिवार में शादी हो गई थी और मैं हम लोग पंजाब में रह रहे थे। दो साल हंसी खुशी निकल गए, फिर एक राग जिंदगी भर के लिए काली रात साबित हुई। हम दोनों पंजाब से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। बोली, क्षमा कि इस एक्सीडेंट में मेरे पैर कट गए और हस्बैंड की डेथ हो गई। मुझे हॉस्पिटल से 3 महीने में छुट्टी मिली थी। मुझे बताया भी नहीं गया था कि यही कहते रहे कि अमित कोमा में है। अमित के माता पिता भी यही कहते रहे मुझे, उन्होंने ही मुझे संभाला। एक बार तो दुनिया ख़त्म सी लग रही थी। पर कहते हैं ना कि भगवान आपसे एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथ से देता है। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल रही थी उसी दिन कोई औरत अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में ही छोड़ गई। मैंने अपने सास ससुर से बात की कि माँ पापा मुझे ये बच्चा चाहिए, उन्होंने भी हाँ कह दी और छोटी सी बच्ची हमारे घर आ गई। देखिए दीदी, भाग्य की बात है, हमारी घरेलू सहायक की बेटी जुड़वा बच्चियों को जन्म देते ही गुजर गई, तो उसकी बेटियों को भी हम ले आए। टूटे तो हुए थे पर खुद भी जुड़ना था, सारी जिंदगी रो के नहीं गुजार सकते, तो इन्हीं नन्ही जानों में अपनी जान बसा ली। और अमित के माँ पापा भी मेरे साथ लगे रहते थे। ऐसे ही करते करते अमित की परियों का गठन हो गया और दीदी 23 बच्चियां हैं हमारे पास। मेरा गला भर गया और दीक्षा से जल्दी ही मिलने का वादा कर मैं इस तैयारी में जुट गई कि मैं उसकी कैसे मदद करूं। वो इतनी तकलीफें झेलते हुए भी कितनी बच्चियों को मदद का हाथ दिए हुए है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।